भैया थोड़ा आगे निकले जमीन लिए तो चल जाइए सबसे मिलने के आगे बढ़ते बढ़ते चलिए ना आगे चलिए ना ब्रदर यहाँ पर गाड़ी है यहीं पर यहीं पर बैठी है बैठ के देंगे सर के साथ रुकिए अभी रुक जाएंगे बाहर जाएंगे यहाँ कौन हम बात कर ले रहे हैं गाड़ी लेना है और कौन नहीं है वीडियो ले लो करोड़ों जनता का आशीर्वाद मैं तो इतने जानता हूँ कि सत्य जीतता है जितना परेशान टॉर्चर कुछ न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान बचा पीछे रह जाता है मेरे जैसे लोगों को लड़ने वालों को इस देश में कल्याण नहीं है कहीं पर गाड़ी चढ़ा कर मार दो गोली से मार दो किसानों को जहां मन आए वहां मार दो और किसी को एक रूम में कैद करके मार दो जब मन आए हरियाणा के बॉर्डर पर मार दो जब मन आए उत्तर प्रदेश में मार दो डेमोक्रेसी तो समाप्त हो चुकी कोई बोलने वाला नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष कंप्लीट कोलैप्स कर चुका देश की स्थिति बहुत बुरी है आपातकाल की है मैं सिर्फ इतना कहूंगा सच्चाई की जीत है जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं सत्य कभी परेशान नहीं होता एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को 1 दिन नहीं रखा जा सकता बस इन्हें अपनी गलती को छुपाने के लिए पप्पू यादव को मार देना है इतना ही करना है कोई विपक्ष है नहीं आवाज देना नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो घटना उत्तर प्रदेश में घटी है ये लड़ाई आर पार होगी इसको ख्याल रखिएगा मुझे
कैसे जाऊंगा आपको उल्टी दूसरे गाड़ी पुरुषोत्तम के साथ बोल दिया पुरुषोत्तम को कौन गाड़ी है फॉर्च्यूनर है फॉर्च्यूनर में अपने काला वाला उसको कर दो आगे पैसा भी ले ले जाओ जाओ स्थिर से जाएंगे इंजीनियर को बोला मैं बोला भैया प्लीज यार।